हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपकी क्लास 6 की दूसरी क्लास दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो है वो हम लोग ने आपकी फर्स्ट मीटिंग की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा प्लेस वैल्यू का और थोड़ा सा सेट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? किसी भी एक कैटेगरी को, ठीक है ना, लाइक कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेंसिल्स ले लिए, शार्पनर्स ले लिए, स्केल्स ले लिया, इरेजर ले लिए, ठीक है ना, कलर पेंसिल्स ले लिए, मार्कर्स ले लिए। इन सबको हमने इकट्ठा किया, ठीक है, और एक बकेट में डाल दिया, और उस बकेट को हमने स्टेशनरी बॉक्स का नाम दे दिया, तो वो हमारा एक सेट बन गया, ठीक है ना। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें क्या क्या है या ये क्या है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्टेशनरी वाला है, ये पेंसिल वाला है बॉक्स है, ये रेजर वाला बॉक्स है। हम बोलेंगे ये स्टेशनरी बॉक्स है। तो किसी भी एक मतलब सेम कैटेगरीज को कलेक्ट करना और फिर उसको एक किसी भी ब्रैकेट में रख देना या बकेट में रख देना या किसी भी जो है वो चीज में एक साथ उसको जो है वो रखना, और फिर उसके बाद उस चीज का सेट बनाना, ठीक है, और उसको एक नाम देना, हमारा सेट कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, इफ पी, मैंने ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को करवाया था शायद ना, इफ पी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड क्यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, व्हाट द सिंबल्स ई और ई नॉट इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, ये जो सिंबल्स मैंने बताए हैं ये ई जैसे दिखते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ई रीड किया। लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में और मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो हम इसको बोलेंगे ई, बट इसका जो है वो रिप्रेजेंट ये करता है बिलोंग्स टू को, और अगर इसके ऊपर कट का निशान है तो ये रिप्रेजेंट करता है इज नॉट बिलोंग्स टू को। यानी कि अगर ये जहां भी साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी चीज से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये नहीं आता तो इसमें ये किसी चीज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर दो सेट्स हैं, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके स्टेशनरी बॉक्स से एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और दूसरा वाला आपका टूल बॉक्स है, ठीक है ना, तो आपके स्टेशनरी सेट और आपके टूल सेट में से, ठीक है ना, क्या स्टेशनरी सेट के अंदर पेंसिल्स जो है वो बिलोंग्स करती हैं? तो आप अपना बिलोंग्स का साइन लगाएंगे कि ऑफ कोर्स जो हमारी पेंसिल है, ठीक है, वो स्टेशनरी बॉक्स में करती है। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना, आपकी स्टेशनरी चीज स्टेशनरी बॉक्स से स्टेशनरी सेट से बिलोंग करता है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? इज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आपको यही करना है, इस एक्सरसाइज में आपको दोनों सेट्स को देख के बताना है और सेट्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको देख के आपको बताना है कि वो उस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है। इसको एक और बात, इसको एक और उसमें भी हम कहते हैं इज अ मेंबर ऑफ और इज अ नॉट मेंबर ऑफ। यानी कि अगर आपने बिलोंग्स टू के अलावा अगर कोई चीज कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद है तो आप बोलोगे यस इज अ मेंबर ऑफ, कि ये इस सेट का मेंबर है, और अगर मेंबर नहीं है तो आप बोलोगे यस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो बिलोंग्स टू बोलो या मेंबर ऑफ बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। दोनों का मतलब यही है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि आपका एलिमेंट आपके सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता, क्लियर। अच्छा जी, अब ये नीचे सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो फिलहाल तो मैंने ये आप लोग को सॉल्व कर दिए, ठीक है, ताकि लेकिन बाद में आप लोग को खुद सॉल्व करना। अच्छा, मैंने नेक्स्ट पिछला जो असाइनमेंट दिया था, मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग अपनी अपनी कॉपीज और बुक स्कूल से परचेज कर लें, उसके बाद अपनी कॉपीज में अपने चैप्टर का नाम और असाइनमेंट लिख करें और फिर वो मुझे सबमिट करवाएं, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी मीटिंग का कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, 2-P, यानी के 2-P के 2 जो है वो हमारे P, 2 एलिमेंट जो है वो हमारे P सेट में मौजूद है या नहीं, हमें ऊपर सेट्स गिवन है। अच्छा जी, आपका 2
डैश पी, आपको देखना है कि आपके पी सेट में जो है वो टू है या नहीं है. अगर टू है इट्स मीन ये आपको बिलोंग करता है इस सेट से, और अगर नहीं है तो इट्स मीन ये आपको इस सेट से बिलोंग नहीं करता. ठीक है, अब आपको ऊपर सेट पी का दिख रहा है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आपको गिवन है. ठीक है, अब उन 4 एलिमेंट्स में फर्स्ट चारों नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब देखिए कि पी के अंदर 2 मौजूद है, तो यस पी के अंदर 2 मौजूद है, तो इट्स मीन के 2 जो एलिमेंट आपके पी सेट से बिलोंग करता है, तो आपने उसमें कौन सा साइन लगा दिया, belongs to का. ठीक है, अच्छा अब नंबर 2 देखिए, 5-P, इट्स मीन के 5 एलिमेंट आपके पी सेट में है या नहीं है, पी सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, या पी सेट का मेंबर है या नहीं है, आप तीनों बातों में एक ही मतलब है. ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप जो है वो अपने लिहाज से कोई भी अपना मतलब आप ले सकते हैं इसमें. अब आपने पी सेट को देखा, 1, 2, 3, 4, इसमें 5 है, नो इसमें आपका एलिमेंट 5 मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि 5 इज नॉट बिलोंग टू पी सेट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 5 एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पी सेट. ठीक है, नंबर 3, 4-P, के 4 जो है वो आपके पी सेट में है या नहीं है, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, यस 4 जो है वो आपके पी सेट में मौजूद है, या 4 जो है वो आपके पी सेट से बिलोंग करता है, तो आपने इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगाया. नहीं करता होता तो आप इज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते. अच्छा जी, D-Q, अब आपको बताना है, अब ये देखा अभी तक तो ये पी के सेट चल रहे थे, अब ये क्यू के सेट पे आ गए कि क्यू के सेट में डी मौजूद है या नहीं, तो पहले आप उसके लिए क्यू का सेट देखेंगे. क्यू का सेट है A, B, C, and D, तो डी जो है वो आपके क्यू के सेट में मौजूद है, तो इट्स मीन कि आपका डी एलिमेंट क्यू सेट से बिलोंग करता है, तो आपने इसमें कौन सा साइन लगाया, बिलोंग्स टू का. ठीक है, अच्छा जी, G-Q, के जी एलिमेंट आपके क्यू सेट में है, बिलोंग करता है, मेंबर है या नहीं है. क्यू सेट में आपने देखा इट्स A, B, C, and D, देर इज नो जी, इट्स मीन कि जी जो है वो आपके जी एलिमेंट आपके क्यू सेट से बिलोंग नहीं करता, तो आपने लिख दिया इज नॉट बिलोंग्स टू या इज नॉट अ मेंबर. अच्छा, 3-P, 3 जो है वो आपके पी में है या नहीं है, तो 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट पी, तो यस आपने इसमें साइन लगा दिया बिलोंग्स टू, मींस 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट पी. क्लियर, आपको सवाल में कुछ भी नहीं करना, आपको जो सेट्स गिवन है सेट्स को और उसके एलिमेंट्स को देख के, सेट के नाम को उसके एलिमेंट्स को देख के आपको ये डिसाइड करना है कि ये एलिमेंट आपके सेट से बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स एस A, B, C एक्स्ट्रा. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने इन्होंने आपको बोला है काउंटिंग नंबर लेस देन 10, आपको इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको जो एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है ना, कि आपको इस चीज का, या एक आपको देखा जाए तो आपको एक इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि ये एक हिंट है, इसको दे लेते हुए आपको एक सेट बनाना है और फिर आपको उस सेट का नाम देना है, A, B, C, D या XYZ, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, A, B, C एक्स्ट्रा. नंबर 1, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10. ठीक है, आपको ये इन्होंने हिंट दिया हुआ है काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमेशा हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. तो यानी कि हमारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और लेस देन 10 से छोटे छोटे, तो 10 से छोटे छोटे कौन से होंगे, 9 तक होंगे. तो इट्स मीन सबसे पहले आपने सेट को नाम दिया, हमने यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, हमने यहाँ पे A का नाम दे दिया, A इक्वल टू ये आपने सेट का नाम दे दिया. ठीक है, आपने फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज करने हैं, नो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और नो सर्कल ब्रैकेट, आपको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही आप सेट बनाते हुए यूज करते हो. ठीक है, A इक्वल टू काउंटिंग नंबर्स, जैसे काउंटिंग नंबर्स लिखा हुआ है, काउंटिंग नंबर लिखा हुआ है, आप समझ गए कि ये कहां से स्टार्ट होगा, 1. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपकी सीरीज चलती रही, और जब उन्होंने
वॉवल्स इन दी वर्ड इमेजेस, ठीक है, इमेजेस वर्ड्स के अंदर, ये IMAGES इमेजेस वर्ड लिखा हुआ है, आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है वो वॉवल्स कौन कौन सी, ठीक है। तो पहले आपने उसको एक सेट का नाम दिया, सेट को आपने नाम दिया बी का, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपको इसमें से वॉवल्स देखने, तो इसमें से आई वॉवल है तो आपने लिख दिया, एम वॉवल नहीं है आपने इसको रहने दिया, उसके बाद ए वॉवल है तो आपने सेट में लिख दिया, जी वॉवल नहीं है आपने रहने दिया, ई वॉवल है तो आपने इसको सेट में लिख दिया, एस नहीं है तो आपने रहने दिया, ये आपका सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री, कलर्स इन द नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग में के जो कलर्स होते हैं उनका सेट बनाओ, आपने सेट को नाम दे दिया सी का। अच्छा, नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा होता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के झंडे का कलर कौन सा होता है, ग्रीन एंड व्हाइट, तो सिंपल आपने सेट के अंदर लिख दिया ग्रीन एंड व्हाइट, ओके। नंबर फोर, मल्टीपल्स ऑफ थ्री लेस देन 15, थ्री का मल्टीपल्स इट्स मीन के थ्री के जो डिविजिबल है और जो थ्री के टेबल में आते हैं, ठीक है, लेकिन 15 से छोटे छोटे, तो आपने जो है वो इस सेट को नाम दे दिया डी का, ठीक है, और आपने थ्री के टेबल यानी कि जो थ्री के टेबल में आते हैं आपको वो सब लिखने हैं लेकिन 15 से छोटे छोटे, तो आपने स्टार्ट किया 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें 3 5 15, लेकिन आपको यहाँ पे इन्होंने गिवन जो है आपको रिक्वायरमेंट उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको कि आपको 15 से छोटा नंबर चाहिए, तो आप 12 पे अपना सेट स्टॉप करेंगे और ये सेट को आप जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट। नंबर 5, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 5 का डिविजिबल यानी कि वो नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं बट 25 से छोटे छोटे, पहले आपने सेट का नाम दिया, हमने यहाँ ई का सेट को ई का नाम दिया है, अब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे सेट बनाना, तो 5 के डिविजिबल हमने 5 से स्टार्ट किया, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, बट यहाँ ऊपर हमें क्या रिक्वायरमेंट में गिवेन है कि हमें 25 से छोटे नंबर चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने 20 पे अपना सेट क्लोज कर दिया, 25 नहीं दिया, ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके सेट्स हैं सेट्स को आपको नाम देना और जो गिवन रिक्वायरमेंट्स उसके लिहाज से अपने सेट बनाना है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत इजी गिवन है, ऐसी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसकी नॉलेज आपको ना हो, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 सिक्स कैटेगरीज बताई हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी सेट के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, यानी कि जिसको आप एक ब्रैकेट्स में या किसी एक चीज पे मुश्तमिल कर सकते हो, ठीक है। अब लाइक नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पीपल टाउन में, ठीक है। अब अगर आप मैं आपसे पूछती हूँ बेटा कि मुझे इसका आंसर बताओ, तो आपको तो नहीं पता कि आपके टाउन में कितने स्ट्रॉन्ग पीपल है, आप अपने पूरे टाउन के स्ट्रॉन्ग पीपल उसके नहीं जानते, ठीक है, फिर आपके लिहाज से जो स्ट्रॉन्ग पीपल होगा जरूरी नहीं है कि वो जो आपका नेबर हो उसके लिहाज से भी वही पीपल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो आप इसमें कोई एक जो है वो पर्टिकुलर बंदे का नाम जो है वो आप जज नहीं कर सकते, तो ये आपका सेट की फॉर्म नहीं है, नंबर 1 इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है, ओके। नंबर 2, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में मुझे बताएं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी यही जवाब देंगे 10, आपके बराबर में जो बच्ची बैठी होगी वो भी बोलेगी 10, आप टीचर से पूछेंगे वो भी बोलेंगे 10, आप प्रिंसिपल से पूछेंगे वो भी बोलेंगे 10, तो इसका आप सबसे पूछेंगे तो आंसर एक ही आएगा, ठीक है, तो आप इसको जब आप सेट बनाएंगे तो आप लिख सकते हो यस 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म की सेट है, आप इसको एक सेट फॉर्म में डाल सकते हो, तो यस नंबर 2 इज अ फॉर्म ऑफ सेट, ओके। नंबर 3, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, तो यहाँ ये है प्रोविंशियल असेंबली के जो लोग होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली के जो लोग होते हैं मेंबर्स, वो मेंबर्स वही होते हैं, वो फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं, वो आप किसी से भी पूछेंगे कि इस असेंबली के मेंबर्स कौन से हैं तो वो वही होंगे, ठीक है ना, वही 5 मेंबर्स जो होंगे, 6 मेंबर्स जो होंगे, सब उसी का नाम लेंगे, ठीक है, आप उसमें आप जो है वो अपनी तरफ से कोई मेंबर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो यस नंबर 3 इज अ फॉर्म ऑफ सेट, ओके। नंबर 4, फेमस फिल्म एक्टर, अब आपको ये बताना है कि फेमस फिल्म एक्टर जो है वो सेट की फॉर्म है या नहीं है, तो अब आप ये देखिए, अच्छा फेमस फिल्म एक्टर मेरे लिहाज से अगर मैं पूछूं तो मैं कहूंगी कि मेरा फेमस फिल्म एक्टर ये, मेरे लिहाज से ये फेमस फिल्म एक्टर है, मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे नहीं मेरा फेवरेट एक्टर या मेरा फेमस एक्टर ये, ठीक है, तो
हर किसी की अपनी अपनी जो है वो पसंद के लिहाज से अलग अलग जो है वो एक्टर्स होंगे, तो हम इसको एक सेट का नाम नहीं दे सकते. तो नंबर 4 इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेट. नंबर 5 द रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के दरिया है. सही है, आप किसी से ये पूछेंगे तो पंजाब के दरिया सेम रहेंगे, जितने हमारे दरिया हैं ठीक है ना वही रहेंगे. आप मैं भी आपको बताऊंगी तो उतने ही दरिया बताऊंगी, आप भी मुझे बताओगी तो उतने दरिया बताओगी, टीचर बताएंगी तो भी उतने होंगे, मम्मा बताएंगी तो भी उतने होंगे, बाबा बताएंगे तो भी उतने होंगे. ठीक है, तो आपके जो द रिवर्स ऑफ पंजाब है वो एक कॉन्स्टेंट दरिया है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है, ना उसमें एडिशन कर सकता है, ना उसमें से किसी भी चीज को लेस कर सकता है किसी दरिया को. तो नंबर 5 इज अ फॉर्म ऑफ सेट. ठीक है, अच्छा नंबर 6 द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, आपके पड़ोस में सच्चा इंसान. ठीक है, तो आप बोलोगे हर इंसान का कहेगा यार मैं सच्चा हूँ. ठीक है, तो इस तरह आप किसी एक को जज नहीं कर सकते. ठीक है, आपके लिहाज से वो सच्चा होगा, उसके लिहाज से मैं सच्चा होऊंगा. ठीक है, तो इस तरह जो है वो सबकी जो है वो आंसर्स अलग अलग आ रहे होंगे, तो हम इसको एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो नंबर 6 इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेट. समझ आया बेटा आपको? इस सवाल में आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपको सेट्स हैं आपको उनको बताना है कि किस कैटेगरी को आप एक पर्टिकुलर सेट में लिख सकते हैं और किस कैटेगरी को आप सेट में नहीं लिख सकते. क्लियर? अच्छा जी, अब देखें हमारी मैथ्स की फॉर्म में जो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने में मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए हमने जो है वो सिलेबल्स वर्ड निकालने. ठीक है, अब जब तक आपको सवाल ही पढ़ नहीं आएगा आप कैसे जज करोगे क्योंकि मुझे सवाल में क्या करना है. सवाल पढ़ने के लिए कुछ ऐसी मैथ्स की टर्म्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए इन वर्ड्स को ब्रेक कर दिया जिसे हम सिलेबल्स वर्ड कहते हैं. ठीक है ना, नंबर 1 टेब्यूलर. क्या है टेब्यूलर? ठीक है, अब अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट ना पढ़ पाओ टेब्यूलर, तो आप इसको जो है वो ब्रेक कर करके पढ़ें टैब यू लर. ठीक है, मेरे साथ दोबारा आप लोग भी पढ़िए टैब यू लर. ठीक है, अब जब आप इसको रवानगी में 4-5 मरतबा पढ़ेंगे ना जल्दी जल्दी टैब्यूलर 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 टैब्यूलर, ठीक है, तो एक वक्त आएगा कि आपकी जबान पे ये वर्ड जो है वो खुद ब खुद आपको रीड करना आ जाएगा, इट्स टैबुलर. ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2 है नोटेशन. ठीक है ना, नोटेशन. अब ये ऐसे अगर आपसे वर्ड ना पढ़ना आ रहा हो आप इसको ब्रेक करके पढ़ो नोटेशन नोटेशन. जब आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो ये वर्ड जो है वो यही राइम करेगा नोटेशन. ठीक है, नंबर 3 है साइंटिफिक. साइंटिफिक साइंटिफिक. अब इसको जल्दी जल्दी रीड करें साइंटिफिक साइंटिफिक साइंटिफिक, तो ये यही वर्ड बन गया आपका साइंटिफिक. ठीक है, स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट. ठीक है, इस तरह आप ब्रेक करके पढ़ें, फिर जब आप इसको मिला के एक साथ पढ़ेंगे तो इट्स स्टेटमेंट्स. ठीक है, नंबर 4 उसके बाद है आपका फॉलोइंग. फॉलोइंग फॉलोइंग. अब जब आप इसको बार 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 पढ़ते रहेंगे फॉलोइंग फॉलोइंग, तो एक वक्त आएगा कि आपको ये जो वर्ड है ये आराम से आप जो है वो बोल पाएंगे एंड इट्स फॉलोइंग. ठीक है, फॉलोइंग. अच्छा, डिस्क्रिप्टिव 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 डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, अब आपको ये वर्ड पूरा नहीं पढ़ने आया मगर आपको डी भी पढ़ने आया, स्क्रिप्ट भी पढ़ने आया, टिव भी पढ़ने आया. अब जब आप इसको जल्दी जल्दी एक साथ पढ़ते रहेंगे रीड करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद वर्ड आपसे जो है वो प्रोनाउंस हो जाएगा जो है डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, नंबर 1 इज टेब्यूलर, नोटेशन, साइंटिफिक, स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग एंड लास्ट 1 इज डिस्क्रिप्टिव. ओके, अच्छा जी, असाइनमेंट जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसका मैंने ये असाइनमेंट दिया है. ठीक है, आप अपनी कॉपीज लीजिए, स्कूल से परचेज कीजिए, बुक्स परचेज कीजिए और फिर आप अपने चैप्टर का नाम कॉपी में मेंशन कीजिए. नाम मेंशन करने के बाद असाइनमेंट की हेडिंग डाल के जो मैंने असाइनमेंट दिया वो असाइनमेंट करें और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी तो मुझे अपना असाइनमेंट आप लोग शो करेंगे कि यस मिस हमने असाइनमेंट कर लिया है. उसमें से जो बात ना समझ आए आप वो बात पूछ सकते हैं. जब आप क्लास ले रहे हो तो यहाँ मोर पे चैट का ऑप्शन गिवन होता है. ठीक है, आप यहाँ जाके मोर में जाके चैट का ऑप्शन पे आप कुछ भी सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लिख सकती हैं. ठीक है, और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मोर में जाएं. मोर में जाने के बाद ठीक है आपके पास इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है चैट का ऑप्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपके पास होगा. मतलब कि अगर आपने ये लिखा कि मिस क्वेश्चन नंबर 2
हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा और जो भी जो है वो आंसर होगा वो मैं आपको उस वक्त दे दूंगी उसका, ठीक है। ओके, आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड क्यू इज इक्वल टू ए सी एफ जी, व्हाट द सिंबल्स इज मेंबर ऑफ और इज नॉट अ मेंबर ऑफ इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको एक सेट दे दिया है ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और क्यू सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी एफ जी, ठीक है, और आपको दोनों सिंबल्स बता दिए इज अ मेंबर ऑफ और इज अ नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है, ये दो सिंबल्स आपको बता दिए। अब आपको इन ब्लैंक्स के अंदर वो सिंबल जो है वो करना है ताकि आपका स्टेटमेंट सही साबित हो। एक मैं आपको बता देती हूँ 2-A। अब आपको देखना है कि आपके ए वाले सेट में 2 मौजूद है, यस मौजूद है, तो आप कौन सा सिंबल लगाओगे, ये वाला, ठीक है, जिसमें मौजूद नहीं होगा। आप वन बाय वन सबको देखते रहे जो स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, जिसके अंदर जिस एलिमेंट में जो एलिमेंट आउट सेट से बिलोंग कर रहा होगा आप उसमें इज बिलोंग टू का साइन लगाएंगे और जो नहीं कर रहा होगा आप उसमें इज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द एलिमेंट्स List the elements of the following sets. Also name the sets as A, B, C, E, T, C. ठीक है, आपको क्या करना है, जो ये elements हैं, ठीक है ना, आपको इसको set में change करना है और उन sets का number नाम भी देना उन sets को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब number 1 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। Counting numbers less than 12. Counting numbers less than 12, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपने ये क्वेश्चन उतारा, नेक्स्ट लाइन में आपने सेट को नाम दिया ए का, बी का, सी का, डी का, ठीक है, जिसका भी आपको ठीक लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ए का उसको नाम दे दिया सेट का, ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट्स बनाने के बाद आपने लिखा काउंटिंग नंबर लेस देन 12, यानी कि आपको काउंटिंग नंबर लिखना है लेकिन किससे छोटे छोटे, 12 से, तो आपने क्या लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये आपका सेट मौजूद है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर सेट हो चुका है, ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हैं, ये आपको करने, ठीक है। नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, कलर्स इन द रेनबो, रेनबो में जो कलर्स होते हैं वो आपको लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 60, 6 के टेबल्स आपको लिखना है लेकिन 60 से छोटा छोटा। इवन नंबर्स लेस देन 20, इवन नंबर्स लिखने हैं 20 से छोटे छोटे। ऑड नंबर्स लेस देन 15, ऑड नंबर्स लिखने हैं 15 से छोटे छोटे। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। इवन नंबर्स होते हैं जो वो जो 2 के डिविजिबल होते हैं, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं होते, मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस। जैसे अब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है ना, या फिर रिवर्स ऑफ पंजाब, ऐसे आपको वो तो मैंने आपको खुद से बना के दिए थे, ठीक है। अब आपको ऐसे कोई भी 5 सेट बनाने जिनकी कैटेगरी जो है वो आप एक सेट में लिख सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी या एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके 3 सवाल आपके असाइनमेंट के हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास जब भी मैं आपकी लूंगी तो इंशाल्लाह मुझे आपके जो है वो ये तीनों सवाल जो है वो आप मुझे बताओगे, जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।